दोस्तों, जब हम YouTube पे नए नए आते हैं तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि हम अपने वीडियो में टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएं ताकि हमारी भी वीडियो वायरल हो जाए और हमारा चैनल जल्द से जल्दी ग्रो हो सके। लेकिन उससे बड़ी जो प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि हमें टॉपिक ही नहीं पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि जब YouTube पे नए नए होते हैं तो टॉपिक ढूंढने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं और उसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं। उससे दोस्तों होता क्या है कि हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आता है। अब व्यूज क्यों नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि आपने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया है उस टॉपिक पे हजारों वीडियो बन चुका है और उस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आ चुका है। अगर कोई बंदा उस टॉपिक को सर्च करता है तो आपकी वीडियो ना आके उस यूट्यूबर का वीडियो आता है, क्योंकि उसके वीडियो पे पहले ही व्यूज आ चुका है। दोस्तों, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कभी भी टॉपिक की कमी नहीं रहने वाली है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां से आपको डेली 3 टॉपिक मिलेगा, और आपको ये एप्लीकेशन ये भी बताएगा कि आप अपने वीडियो में ये वाला टैग यूज़ करो ताकि आपका वीडियो जल्दी से वायरल हो सके। तो चलो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा। यार, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। मैं ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। आज मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों VidIQ। VidIQ को आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास PC या लैपटॉप है तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ यूज़ करने के लिए दोस्तों आपको अपने PC या लैपटॉप में जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है VidIQ। फिलहाल मैं आप लोगों को आज फ़ोन से कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने का दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च कर देना है VidIQ। VidIQ जैसे सर्च करोगे दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे दोस्तों ओपन करोगे, यहाँ पे VidIQ YouTube सर्टिस्फाई एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लगभग सारे यूट्यूबर इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे उस Gmail ID से लॉगिन करना है जिस Gmail ID से आपने अपना YouTube चैनल बना रखा होगा। जैसे आप लॉगिन कर लोगे दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस एप्लीकेशन में डेली आपको यहाँ पे 3 टॉपिक मिलेगा, तो मेरे सामने यहाँ पे टॉपिक आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करने से चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। अगर आप इस चीज़ को सेव करना चाहते हो तो सेव कर देना, या डिसमिस करना चाहते हो तो डिसमिस कर देना। मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। फिर दूसरा आ चुका है, इसको भी मैं फ़िलहाल सेव कर देता हूँ। तीनों को दोस्तों आपने जो भी टॉपिक को यहाँ पे सेव या डिसमिस किया होगा इस चीज़ को आप बाद में भी चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा डेली आइडियाज़ में, और यहाँ पे सेव आइडिया है, मतलब कि जो भी आपने सेव किया है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और जो भी आपने डिसमिस किया है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी वीडियो अपलोड कर रखी होगी आपकी सारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप अपने वीडियो में कुछ करेक्शन करना चाहते हो टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन में, तो सिंपल से आपको उस वाले वीडियोज़ पर क्लिक करना है। जैसे उस पर दोस्तों क्लिक कर दोगे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको आ चुका है। आपको जाना है सबसे नीचे में। अगर आप टैग में कुछ चेंज करना चाहते हो, मैं फ़िलहाल यहाँ पे आपको एक टैग यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से टैग को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको 3 ऐसे टैग दिए जाएंगे जो कि सर्चेबल टैग होंगे, आपको टैग की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों आपको यहाँ पर टैग भी इस एप्लीकेशन में मिलता है, और आपको ये एप्लीकेशन ये भी बताएगा कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना बन पा रहा है। दोस्तों आप जब भी वीडियो में अपना टैग यूज़ करोगे तो आपको ये वाला एप्लीकेशन बता देगा कि आपका अभी स्कोर इतना है, आपको अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं फ़िलहाल आपको एक टैग यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको टैग आ जाएगा, ये सिंपल से आपको प्लस वाले पे क्लिक कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों 500 करेक्टर यूज़ कर चुका है, इसलिए यहाँ पे टैग यूज़ नहीं हो रहा है। अगर आपने नहीं किया होगा तो यहाँ पे जैसे प्लस पे क्लिक करोगे आपका ये इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली आइडियाज़ का। तो इसको तो मैंने बता ही दिया कि आपको यहाँ पे 3 टॉपिक मिलेगा, उसे आप सेव या डिसमिस करके उस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो। लेकिन वीडियो बनाने से पहले दोस्तों पहले आपको उस पर रिसर्च कर लेना है। रिसर्च कैसे करते हैं, आपको यहाँ पर रिसर्च पर जाना है और यहाँ पर आपको एक सर्च कीवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको वो वाला कीवर्ड को सर्च करना है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे एक आपको सर्च करके बताता हूँ कि YouTube वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। जैसे दोस्तों ये वाला टॉपिक आप सर्च करोगे, यहाँ पे जो देख सकते हो दोस्तों जो ओवरऑल स्कोर है वो 100 में से 49 है, और जो वॉल्यूम है वो 54 है, कंपटीशन मीडियम है। मतलब कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको ये मतलब टारगेट करना है कि आप जब भी अपना वीडियो बनाओ वो आपको कंपटीशन लो या मीडियम पे ही बनाना, क्योंकि हाई पे जब आप बनाओगे तो आपकी वीडियोस पे व्यू नहीं आएगा। अब व्यू क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उस टॉपिक पे पहले ही हज़ारों वीडियो बना होगा
और उस वाले टॉपिक पे जब कोई वो टॉपिक सर्च करेगा तो आपका वीडियो नहीं आएगा, तो आपके वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप बनाना भी चाहते हो तो आपको, अगर किसी ने वीडियो बना रखा है इस टॉपिक पे, तो आपको उससे अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके वीडियो पे व्यूज़ आएगा। तो ऐसे ही आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च करके देख लेना है कि कितना कंपटीशन है, उसके बाद ही आप वीडियो बनाना। मैं एक और आपको टॉपिक सर्च करके बताता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ कि वीड आई क्यू यूज कैसे करें, ये वाला मैंने सर्च कर लिया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ओवरऑल स्कोर है वो 100 मिनट से 74 है, जो वॉल्यूम है वो 60 है, और जो कंपटीशन है दोस्तों यहाँ पे वेरी लो है। मतलब कि अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पे अच्छे खासे ट्रैफिक आने की संभावना है, और आपके चैनल पे व्यूज़ भी अच्छे खासे आ सकते हैं। तो इस तरह से पहले आपको रिसर्च करना है, उसके बाद ही वीडियो को बनाना है। ये वाली एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो। उसके बाद जो दोस्तों चौथा ऑप्शन है वो ऑप्टिमाइज़ का है। ऑप्टिमाइज़ में जैसा कि मैंने बताया, अपने आप किसी वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो या कुछ एडिट कर सकते हो। यहाँ पे SEO स्कोर है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताएगा ये एप्लीकेशन, कि आपने कितने अच्छे से यहाँ पर अपना टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा रहे हो। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 50 में से 46 मेरा स्कोर आया, मतलब कि मैंने अच्छे से टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन सब चीज़ लगाया। यहाँ पर दोस्तों चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में आपको ये बताएगा कि टाइटल का लेंथ आपने इतने डाला है, आपको 100 वर्ड मिलता है, आप यहाँ पे 100 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन कैसे लगाया है, टैग, ये सब सारी चीज़ आपको मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। किसी भी टॉपिक को पहले यहाँ पर रिसर्च करके देख लेना है कि कितना वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, देन उसके बाद ही आपको वीडियो बनाना है। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्टिमाइज़ का मैंने बता दिया। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।